कई लोग मेरे से पूछते हैं कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट। हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर वन। आजादी को 75 साल हो गए, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। जर्मनी हिटलर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम किसी से कम है क्या? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया, क्या नहीं दिया भगवान ने इतना विशाल देश। कई लोग मेरे से पूछते हैं कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट। हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा, और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे देश की हर महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और पांचवी चीज, हमारा मुल्क किसान प्रधान, खेती प्रधान मुल्क है, हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिले, ताकि किसानी एक किसानों के घर में खुशहाली लेके आए, किसानों को सम्मान मिले। और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का बेटा फक्र के साथ कहे, मुझे भी किसान बनना। मेक इंडिया नंबर वन इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़े। जिस दिन 130 करोड़ लोग एक साथ जुड़ गए, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं। सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ, इस पार्टी वाले भी साथ आओ, उस पार्टी वाले भी साथ आओ, जो जो लोग चाहते हैं कि देश भारत का नाम दुनिया के अंदर हो, भारत दुनिया का नंबर वन देश बने, जो जो लोग चाहते हैं सारे इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़े। नफरत खत्म, प्यार और मोहब्बत करेंगे, एक साथ मिलके रहेंगे, मुट्ठी बन के रहेंगे, तभी भारत दुनिया का नंबर वन देश बनेगा। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे, और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की इनकलाब।